मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्बू, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष, बैरिया बलिया, ग्राम सभा दुर्जनपुर हनुमानगंज। कल 15 तारीख को जब हमारे यहाँ कोटे की दुकान का आवंटन होना था, उसमें उप जिला अधिकारी महोदय सुरेंद्र पाल जी और हमारे क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, BDO गजेंद्र सिंह यादव और SI सदानंद यादव सारे लोग आए थे। इससे पहले मैंने कई बार SDM महोदय को और अपने BDO को बार बार जा कर के मैंने पत्रक भी दिया है कि सर हमारे यहाँ माहौल गंदा है, जिससे कोटे की दुकान की बात है तो आप बताइए किस बेस पे करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि समूह को आगे किया जाएगा, इसके बाद जो भी जनता आएगी उसको पीछे रख दिया जाएगा, जिसका जन समूह ज़्यादा होगा उसको कोटे की दुकान होगी। जबकि कोटे की दुकान एक इधर से धोबी का था, रेणु देवी का, जो कि माँ सायर जगदम्बा के नाम से रजिस्टर था, और उधर से नारी शक्ति के नाम से था, जो कोई सीमा देवी है। ग्राम प्रधान की मिली भगत से पहले ही BDO, SDM और क्षेत्राधिकारी ने पैसे लेकर के सेटिंग कर रखा था। मुझे ये आशंका थी, फिर मैं बार बार जाकर बोल रहा था कि गाइडलाइन बताइए सर, गाइडलाइन बताइए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी मौके पे आए, जब मौके पे आए मुझे सूचना मिली, मैं गया। मेरे तरफ से कम 1500 लोग थे, जिसमें 1000 से ऊपर महिलाएं थी, 500 लोग पुरुष थे, उनके तरफ से 300 लोग थे। और पंचायत भवन के बगल में खेत जुतवा करके और ग्राम प्रधान, BDO और ये सब अधिकारी सारे वहाँ पे वो लगा दिए थे कैंप, जबकि वहीं पे पाल लोगों का, गोंड लोगों का, पासवान लोगों का घर है। फिर भी मैं स्टार्टिंग में आकर के जब पूरा समूह आ गया वहाँ पे, तो मैं सबसे कहा, सारे अधिकारियों से कहा, बार बार कहा कि सर यहाँ पे मारपीट का बवाल होने वाला है, ये मुझे रात से ही आशंका है। इससे पहले भी आपको मैंने कई बार आपको निवेदन किया है। मैंने वो SDM महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय BDO बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे भीड़ देखा तो मैं SDM साहब बोले कि नहीं, ये कोटे के दुकान ख़त्म करते हैं, अब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा। हम कहे कि सर आपने ही तो कहा था कि जिधर संख्या ज़्यादा होगी उसका घोषणा होगा, तो सर आप घोषणा किए, कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की तो मिली भगत थी, प्रशासन मौजूद है। जैसे SDM, क्षेत्राधिकारी और BDO अपनी गाड़ी में बैठे, तब तक 80 साल के बुजुर्ग मेरे पिताजी हेडमास्टर टीचर से रिटायर है, उनको जाकर के सबसे पहले इसी पाल, यही जो अभी पता चल रहा है कि गोली लगी है, इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा SDM और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए, ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी, शासन प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी, वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही है, किसको नहीं, मैं भी दौड़ के गया उसमें, देखा तो आप BDO से भी देख सकते हैं, उसमें BDO है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। मैं तो एक पूर्व सैनिक का गर्व अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक राजपूत का सम्मानित माता पिता का बालक हूँ, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सेना में सेवा करके आया हूँ। इसलिए मैं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं क्षेत्राधिकारी से हाथ छुड़ा करके और भाग निकला, क्योंकि इन लोगों का मनसा था कि मुझे मतलब पीट करके यहीं पे मार दिया जाए। उस समय मेरी कम से कम परिवार के, सभी परिवार के 3-4 भाभी और 3-4 भाई और मेरे रिश्तेदार जो पहले से यहाँ रहते थे, एक हमारे बड़े भाई का साढ़ू का लड़का और उनका साला, उनको भी मार करके ग्रसित कर दिया गया है। अब ये मुझे समझ में आता, वो BHU रेफर हुआ था जो कि अभी मृत घोषित हो गया, मुझे कहीं से मालूम चला है। और शासन प्रशासन के लोग, खुद SDM साहब और क्षेत्राधिकारी महोदय मेरे घर पे आते हैं और तुरंत लाठीचार्ज करवा के औरतों पे लाठी बरसाते हैं, बच्चों पे लाठी बरसाते हैं। जो भी गाड़ियाँ थी, JCB थी, बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, मेरे स्कूटा का कार थी, बुलेट थी और बाइक थी, वो सब तोड़ फोड़ दिए, उठा के भी लेके चले गए। TV, फ्रिज, कूलर, जो भी था, अलमारी वगैरह सब कुछ तोड़ दिया। ये बताइए शासन प्रशासन का क्या मंशा है, मैं तो ये नहीं समझ रहा हूँ, केवल पैसे पे काम किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।